कुछ नहीं है, जो स्क्वायर निकालना, ये तो बताए थे, टू डिजिट का, थ्री डिजिट का, फाइव का मल्टीपल वाला बताया तो था, तो भूल जाते हो, तब उसका क्या ऑप्शन है? इसको बताओ, आवाज डिस्टर्ब होती है। एक क्वेश्चन बताएंगे तो हो जाएगा, क्या बताना है? मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लिकेशन का तो कोई तरीका नहीं है, वैसे शॉर्टकट क्या करोगे? काम यही आता है, हाँ उसके लिए वही है, टेबल याद है थोड़ा बहुत। और मान लो अगर स्क्वायर क्यूब वगैरह निकालने का था, तो मान लो अगर 16 टू डिजिट कोई नंबर है, तो इसका अगर स्क्वायर निकालना है, तो इसमें स्क्वायर टर्म निकालते हो, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल लो, क्या होगा? ए प्लस बी याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला कंफिग्रेशन याद रखो, इससे बना लो बन जाएगा। सेम यही, अब सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 का सिक्स लिखोगे लास्ट में, ठीक है, थ्री छोड़ दीजिए, टू ए बी 16 इंटू वन इंटू टू 12 होगा, टू ए बी, अच्छा दोनों को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करना, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू ए इंटू बी है ना, तो टू इंटू वन इंटू सिक्स 12 हुआ, 12 प्लस 3 कितना होगा? 15, 5 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर, यही होता है आंसर, 26। अच्छा 1 तो एक 1 बच गया ना इधर वाला, 15 का, सिंपली ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, ये फॉर्मूला याद रखना है। पता नहीं अभी ये याद नहीं है तो फिर तो वैल्यू पुट करो ना, ए के प्लेस पे 1 रखो, बी के प्लेस पे 6 रखो, रिप्लेस करो, टू डिजिट का इतना भी रहेगा सब आ जाएगा। थ्री डिजिट के लिए फिर उसके लिए दो तीन तरीका है भाई, क्यूब के फॉर्म में लाते हैं, बट थ्री डिजिट तक उतना आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। थ्री डिजिट में अगर जीरो मिडिल एज रहता है, मिडिल टर्म, तो फिर ऐसे ही कर लोगे तो हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म जीरो है, नहीं है तो फिर दूसरा तरीका है, करो सिंपलीफाई। मेरे को आता है ना, ऐसे ऐसे करके भी मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ओरल मल्टीप्लाई होता है ना, मौखिक गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मतलब कैसे बताओ कि कुछ समझ ना, तो ऐसे ऐसे बोलो कि तो आपको क्या समझ में आएगा, अंकित को बता दें, बता रहे हो कि कुछ 89 का बना, बताओ तो स्क्वायर कितना होगा? 89 का इसी फॉर्म से बना के बताओ, फॉर्मूला वही करोगे तब उसका यूज समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन बचपन से करते आ रहे हैं, इस फॉर्म में बस रखो इसको करके देखो, वैसे क्यों गुना कर रहे हो, वैसे क्यों गुना कर रहे हो, वैसे करो ना जो बोल मैं पूछता है, लेकिन होता है जिसके इससे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, हां वो बता दिया, उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें भी वही चीज, जैसे किसी बुक पेज वाला होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, उसको इजी बताएं, उसमें भी वही चीज किया जाता है, करो उसको उस फ्रेम में लिखो, याद कर ले, याद कर ले, हाँ तो अगर वो डिफरेंस कम है तब, नियर अबाउट 100 है तब ऐसा करोगे ना, नियर अबाउट 100 नहीं है तो फिर तो वही काम हो गया, पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ वही, मतलब नियर अबाउट कोई नंबर रहेगा तब करेंगे, और ये है कि सब पे वैलिड है, जो भी नंबर रखोगे सारे नंबर्स पे वैलिड होगा, बन गया, आया आ गया, तो ना बाहर से खाना पड़ रहा है, बताओ गलत गलत ब्लैंक कैस्टर क्या होता है, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं,
गलत कैसे आएगा? चलो देखो, देख लो गलत कैसे आता है। नहीं आएगा बिल्कुल। किसी ने बनाया इस फॉर्म से? नो मैम। अरे आंसर, 9 का स्क्वायर 89 है ना, इसका स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर करोगे, इसी फ्रेम में इसको रखना है, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस टर्म यहाँ पे जो है ये मल्टीपल डिजिट में चला जाता है, लेकिन फॉर्मूला यही रखिएगा। अब आपके पास दूसरा क्या है, 2 × 8 × 9 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर ये डिजिट है ना, 9 का स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा, 81 लास्ट डिजिट 1, ठीक है, 81 का लास्ट डिजिट 1 है, तो बचा क्या, 8 आपका बचा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8, 9 और 7 मल्टीप्लाई करिए, 8 × 9 × 2 बन गया मैम 144 प्लस 8 आइए आ जाओ 152 तो 52 के लिए क्या लिखेंगे, 2 15 बच गया, अब उसके बाद 18 का स्क्वायर सॉरी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 करो मैम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 79 यही आएगा आंसर है तो भाई यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग को इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि तुम लोग को टेबल भी 8, 9, 7 याद नहीं है, ठीक है, तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसके उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर वही डिजिट हम थोड़ा स्मॉल दे दे 53 दे तो बना लोगे, करो बनाओ अब, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है। वही जो बता चुके हैं बस कैलकुलेशन, स्क्वायर निकालना, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा तो उसका स्क्वायर निकालिएगा। अब ये 8 बचा हुआ है, उसके बाद 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 का रोल तो 2 भी प्ले करेगा, 8 A के प्लेस पे, 9 B के प्लेस पे, तो 2 AB। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 8 × 9 8 7 8 9 72 into 2 44 144 144 प्लस 8 152 तो 52 का आप 2 लिख दिए, बाकी क्या बच गया, 15, वो 15 छोड़ दो, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 15, 79। 1114, 53 का, 1114, 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 लास्ट डिजिट तो इसमें 9 होना चाहिए। अंकित, अब हमको लगता है गुना भी कर सिखाना पड़ेगा, बोलो क्या हाँ तो सही कि 30 हो गया था कुछ नहीं बना। संदीप अब बन रहे हैं,
ए प्लस बी का टर्म है ना, कहीं गलती से तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 का 1, 8 रिमेनिंग, ठीक है। लेकिन हाँ ये तब कर सकते हो जब बेसिक गुना भाग पता हो, जोड़ घटाओ गुना भाग। अब ना टेबल 9, 10, 11 का टेबल, अगर 10 और 11 का टेबल भी याद नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसके बाद तो फिर भूल ही जाओ, ठीक है। मैं देखिएगा, हम यही देख दिखा देते हैं क्या है उधर, बताओ क्या है, 53 है, कैसे बताओ 53, छोड़ो ना उसको, तो क्या किए होंगे नहीं पता मुझे, देख लेते हैं 53 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसमें तो कुछ रिमेनिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 5 3 जा 15, 15 टू 30, 13 नहीं 30, 30 का 0, 3 रिमेनिंग, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 रखो ना, 5 रख देते हैं, 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करो 30 आ गया, 30 आ गया, 30 का 0 लिख दिए, 3 रिमेनिंग, 3 रिमेनिंग, सो 5 का स्क्वायर 3। मैं पता है क्या किए तीनों के, लेकिन जोड़े की चोट उठा रहा है, घर के रिमेनिंग, अरे यहाँ तक हम सही है, ठीक है, हो गया, आया समझ में, बनाए हो क्यों? अच्छा मैम हो गया, बनाइए डायरेक्ट, क्या याद रहेगा सब ना, जो नंबर नहीं पता है उसका बता रहे, बताओ तो क्या स्क्वायर होगा 48 का, गुना करना ही पड़ेगा ना, तो कर लो ना ऐसे भी, गुना करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखो, ये पता है ना कभी भी, अच्छा एक सेकंड, हो गया तुम लोग का डिस्कशन, बताओ कभी भी कोई वैल्यू अगर लिखा होता है 5 बाई, मान लीजिए कोई टर्म लिखा है 25, 72 कुछ वैल्यू रखा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा टर्म लिखा है 27/9, तो क्या इसको हमेशा आप कैंसिल ऐसे ही कर लेते हैं ना, लिख लेते हैं आंसर, क्या जरूरत है ऐसे लिखने का, 27 लिखो फिर 9 लिखो फिर डिवाइड करके लिखो, जरूरत है क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इसके इसकी कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है, वो समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिखा जा सकता है, अगर तुमको इसका स्क्वायर करना है तो आंसर तुम डायरेक्ट ये आंसर लिख रहे हो, तुमको ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 53 × 53 पूरा वैल्यू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप बचपन में करते थे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है और तुम दिमाग में ही कैलकुलेट करके वो नंबर लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज फायदा हो जाता है। हाँ 2 डिजिट का हो जाएगा, देखिए आप जैसे बताए ना, जैसे कि 25/25 का 0 लिखे और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 लिखा 5 का ही ले लिया तो 25/25 30 हो गया ना, मतलब 30 हो जाएगा, लिखे ना उसके पहले वाले नंबर में थोड़े लिखे थे, अच्छा उसने क्या छोड़ दिया, 2 डिजिट में कुछ छोड़ देंगे, हाँ 2 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट रहेगा तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, 1 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है चलो, 0 अगर रहेगा 103 इसका देखो तो जरा कैसे करोगे, हाँ 3 डिजिट है, करके देखो ना इसका स्क्वायर उसी फॉर्म से आ जाएगा, करके देखो 3 लाना है,
निकालो ना, सब लग रहा है ऐसे बैठ के मुंह बना के बैठे, लग रहा है कितना बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। आंसर करो बच्चा, 25 होगा, 25 पचास 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 और दो बावन, दो कहाँ से दो इसमें 25 के बाद दो बचा होगा देखो 55 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 के लिए लिखोगे क्या 5, 2 नहीं लिखोगे, 5 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 4 25, 25 into 2 50, 50 के बाद 2 जो इसका रिमेनिंग है वो कहाँ गया, रहेगा ना, तो 50 से 52 हो गया, तो टू लिखोगे, अब कितना बचा 5, और 5 का स्क्वायर 25 और 5, तुम क्या कर रहे थे तुम लोग टोटल सीधे 25 लिख रहे थे, इधर फिर मल्टीप्लाई 300 आ जाएगा, और एलिस के लिए शॉर्टकट ये भी था 55 55, अगर लिखते हैं तो इसमें प्लस 1 कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 इसका हट 10 और ये 6 के बाद ना 5 का बदल जाएगा, जीरो चीजों का भी अलग रूल होता है मल्टीप्लाई करने का, जीरो का अलग अलग होता है, सब कर सकते हो, सबके लिए स्पेसिफिक रूल है, लेकिन अगर ये करते हैं ना ये वाला तो ये सारे टू डिजिट के लिए हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा जो आप नहीं यूज कर सकते, किसमें इसमें नहीं होगा, इसमें उसके लिए होगा जब 55 45 45 करोगे तब, 35 35 करोगे तब, तब नहीं आएगा, दोनों ही सेम डिजिट होना चाहिए, 45 45 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85, 95 तक जाओगे तब ये होगा, 15 भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, तब के लिए ये है, लेकिन ये वाला वैल्यू जो है सेकंड डिजिट 25 होने से मतलब नहीं है, दोनों ही सेम हो, 45 45 हो तब, सेकंड डिजिट 45 मतलब 45 का स्क्वायर है, ऐसे बात कर सकते, हमको ये नहीं समझ में आ रहा क्या इसमें डिटेल बचा रहा है, चलो देखो फॉर्मूला बन जा रहा है, मतलब तुम्हारा बेसिक ही गायब है, बेसिक 55 का स्क्वायर है, फॉर्मूला ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है, यही पूछ रहे थे ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर लिख दें, ये सब सब इमेजिनेशन में कैलकुलेशन करना होता है, करना कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, 5 का स्क्वायर 25 सबको याद ही होगा, अब नहीं याद है तो आप उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, 25 टू ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी याद रखना, दिस इज ए दिस इज बी, तो 5 इंटू 5 25 25 इंटू 2 क्योंकि 2ab है 50 5 इंटू 5 हो जाएगा, यस 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 के लिए सिर्फ 5 लिखेंगे, दो नहीं लिखते हैं, पता है ना, ये कैरी होता है तो 2 छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो 5 5 25 इंटू 2 50 प्लस 2, यहाँ पे प्लस करना, इसको भी मल्टीप्लाई मत करने लगना, ठीक है, तो 52 का 2 बचा क्या 5 रिमेनिंग है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, समझ आया, अगर आपको ऐसे स्क्वायर निकालना होगा तो इतना लिखना नहीं होता है, ये सब कैलकुलेशन माइंड में करना है, और तुम यहाँ कैरी करने कैरी फॉरवर्ड जो जा रहा है नंबर उसी का पता नहीं क्या कर दे रहे हो, तो इसके लिए तो वही बात है, अब फोर्थ क्लास से थर्ड और फोर्थ में भेजना पड़ेगा, हो गया, समझ गए, रुको एक सेकंड, आते हैं वहां फाइनली, समझ लो फाइनली, चलो एक काम करो, तो फिर धीरे-धीरे जगह बोल हो जाएगी।
68. चलो इसका स्क्वायर जल्दी से करो, कॉपी पे बनाया हुआ होना चाहिए सबका. इससे याद सर करो तो. हाँ, 46 आ गया. शुक्र है अंकित तुम्हारा नहीं आया. अरे लास्ट में वाला ठीक है ना वाला टू के लिए टू लिखोगे 10 रिमेनिंग रह जाएगा. जब भी 3 डिजिट आता है तो लास्ट डिजिट लिखते हैं, लास्ट 2 रिमेनिंग चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड होगा. अब उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 46 हो गया. दिस इज द आंसर. ठीक है हो गया. रुक तो जाओ ना, हैव पेशेंस. सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता, ये भी बहुत पहले बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं. फिर जब पूछ रहे हैं वही बात है, जब दोबारा आप लोग को बहुत आसान है. अब अगर नहीं आया तो सच में मार खाने वाला काम है. चलो क्रॉस वाला भी था ना, ठीक है बता रहे हैं बता रहे. मल्टीप्लिकेशन ही सीखते हैं. Yeah,
चलो इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ, 12 × 2 = 13 हो गया चल शुरू करिए, इधर बताइए, डिस्कशन खत्म। 12 × 2 = 13 156 कोई शॉर्टकट तरीका? ठीक है, बताओ जरा क्या करें। चलो खड़े हो, एक मिनट, शांत, सौरभ क्या हो रहा है, खड़े हो। हाँ ठीक है, बताइए ना क्या बता रहे, देखिए जरा में यहाँ लिखते हैं। चलो ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट एक करके बोलो संदीप, खड़े होके बोलो सब, हम बताएं 3 × 1 ठीक है, ग्रुप को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हां ठीक है, हां हम इधर इधर यहां लिख देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या अरे हम दोनों सिंपल है ना, बहुत क्या कर रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। चलो ठीक है, करो बताओ जल्दी से, 1 सेकंड शांत हो, खड़े हो तुम, बताओ क्या करेंगे, शांत रहो, बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है, जस्ट शॉर्टकट करना है, बताओ, पूरा प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ मुझे यहाँ एग्जैक्ट आंसर चाहिए, 2 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन ऐड नहीं चाहिए, बताओ, ठीक है बताना पड़ेगा, एक बता सकते हो ना, चलो खड़े हो तुम, बोलो क्या, आओ बताओ, मल्टीप्लाई जब पूछते हैं तो हम अब देख लेंगे क्या हो गया, बस ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, एक गाने का जैक कैंसर लेके है ना, ये ना ये तो कर रहा है, हो गया, यही करने आए थे तुम, क्या शॉर्टकट वे में किए, शॉर्टकट में हम बताते हैं, बताओ शॉर्टकट बताओ, 23 है ना, हाँ ठीक है, इसको 5 को छुपा दे, 23 में 20 से हम गुना कर दिए, हाँ 23 में 20 से गुना कर दिए, 23 में 20 से गुना कर दिया, 23 में 460 है गया, बाकी बस गया 5 में 23 से गुना कर दिया, जोड़ पाए 23 आ गया। ठीक है, करना क्या था, चलो रजनीश बता रहे हैं, बताओ पहले 5 × 3 = 15 हो जाएगा, मैं 5 लिख देंगे, 5 लिखे ठीक है, 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6 और 170 ठीक है, 7 ठीक है, 4 ठीक है, 5
समझ रहे क्या था? यस मैम, बहुत इजी है ना। कौन है? आ जा तू, बता सकते हैं? चलो आ जा तू, लास्ट में क्या कहते हैं इसमें? अब इसको ज्यादा भी हम लोगों को कभी भी ना दो तीन स्टेप में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये दिमाग में रखो। दो तीन स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन हमें दो तीन स्टेप में नहीं करना है। चलो आ जाओ, तुम जल्दी आओ। नहीं, आइए जल्दी, चलो आओ जल्दी। मैम लगता है सुंदरम भाई ना भाई तेरा बत्तीस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो। यही टू आएगा, 42, टू लिखेंगे, 4 रिमेनिंग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका ये, सो 6 3 18 और 7 3 21, 18 21 ऐड कर लीजिए, 39 प्लस 4, 43, 43 का 3, 4 बचाएगा, 9, 4, 13, हो गया, यही करना था, ठीक है। अगर 3 डिजिट होगा तो ऐसे कर सकते हो? नो सर, मैम, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मैम। होता है पॉसिबल। कर दीजिए मैम। आई काम करो, चलो 103 वाला यहाँ पे स्क्वायर वाला बताओ जल्दी से। यस मैम, 1009। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। हाँ, उसके बाद 9 है। 10,009, ठीक है। अरेंज करना हो अगर उस फॉर्म में तो फिर कैसे लिखेंगे? हाँ, करके देखो तो। ऐड कर दोगे? ठीक है, कर सकते हैं वो भी। आ जाएगा, नहीं क्योंकि जब मिडिल टर्म होगा ना वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, 2AB वाला। That all is going to be zero because आपके पास क्या टर्म है? एक मिडिल टर्म है, तो उसकी वजह से जीरो हो जाएगा सब। इसको इसको टू डिजिट ले लो, इसको वन डिजिट ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ऐसा कर लो। हम कह रहे और ऐड करने के लिए तो लास्ट का दोनों ऐड करते हैं। अगला सवाल थ्री का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर, सिंपली इतना ही करना है। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 1009 आ रहा है। 1009 तो आंसर नहीं है। ठीक है, चलो हो गया। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो तब क्या करें? ये तो स्क्वायर था, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। बस तीसरे स्टेप में 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर करना आसान है। 115 है ना, इस पे वही रूल अप्लाई हो जाएगा जो आपके पास 115 ये लिखते हैं। 5 5 25 कर लो, 11 प्लस 1 कर लो, 12 × 11 कर लो, आ जाएगा, ठीक है। इसमें वही रूल अप्लाई होगा, वापस से लिख देते हैं। 115 का स्क्वायर 25। कभी भी लास्ट डिजिट अगर 5 मिल रहा है उसका स्क्वायर करना है तो उसके लिए यही याद रखिए, 5 का मल्टीपल 25। 11 जो भी दो डिजिट है तो कोई एक में ऐड कर दो, प्लस 1, 12 × 11 कर लो,
करके देख लो, क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, कौन सा करके देख लो, करके देख लो कौन सा इजी है, देखो अगर 25-25 का भी स्क्वायर निकालना हो ना तो यही करते हैं, प्लस वन, थ्री टू जा सिक्स, 25 यही होता है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का भी स्क्वायर करोगे तो यही कर रहा है, 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए और इसमें प्लस 1 कर लीजिए, 4 3 12, अब इसका तुम तो दूसरा शॉर्टकट मेथड बता रही थी, 5 के अलावा कुछ होगा तो ये चीज नहीं काम करेगा, तो उसके लिए दूसरा तरीका 3 डिजिट का फिर निकालना पड़ेगा स्क्वायर, उसके लिए अभी तुम्हें 2 डिजिट में कंफर्टेबल नहीं हो, 3 डिजिट में पता चलेगा कुछ और ही होगा, पहले इसका बताओ ना इसका क्या होगा, मैम 132-125 होगा इसका आंसर, 115 का याद कर हो गया, यही आपका आंसर आएगा, क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा इसको, 210 मोबाइल नहीं निकालना है, पता है ना स्विच ऑफ है ना, फिर ठीक है, अगर इसमें 225 भी रहेगा ना, इसका स्क्वायर भी निकालना है तो वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, इसका स्क्वायर पहले से पता होना चाहिए, समझ में आया, तब बनाना है, बारह को पर 10 पर 100 होगा, 11 जोड़ेगा आप 131 होगा ना, 131 112 ये क्या है, 12 ना, 12 होगा सिंपल, यही डिजिट का कंफ्यूजन है ना, 2 into 1 2, अभी ना तुम ये हम लोग आपको बता रहे थे, अभी ना बता रहे थे, अब किसका मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन का यही तरीका निकालिए जरा, तो एक काम करो पहले निकालो तो 125 का स्क्वायर, चलो 125 का स्क्वायर बताओ सौरभ, 125 का स्क्वायर जल्दी कॉपी में लिख के, इमेजिनेशन वाला मुझे दिखता नहीं है, एक सौ छप्पन अब 256 कौन सा माने हो, ठीक है ये आपका 25 है ना, 125 15,625 ये 25 का कर लोगे, उसको पता है ठीक है, 156 12 into 13 तो ये पता होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत कॉमन मल्टीप्लीकेशन अगर किए हुए हो तो आसान लगेगा, नहीं किए हुए हो तो फिर वही तरीका सही लगेगा, चलिए 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, 15 मिनट बचा जाते हैं,
अच्छा ये बता सकते हो जरा 325 × 17 चलो एक नंबर 3 डिजिट है एक नंबर 2 डिजिट है मल्टीप्लिकेशन का बताओ तो जरा करो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अकाउंट्स के सेक्शन में नहीं है पता है इसीलिए बोल रहा है उसमें नहीं हो ठीक है अच्छी बात है ये तो और भी अच्छी बात है चलो बताओ जल्दी पचपन पच्चीस 500% कैसे करेंगे बताओ तो जरा रजनीश मल्टीप्लिकेशन क्यों हम बोले मैम निकालने के लिए गुना करने के लिए बोले बताओ जल्दी क्या करेंगे जीरो लगा दिए थे किस पे जीरो लगा दिए सात को हटा के पहले दस से कर अच्छा यही गलती है कभी मान लीजिए 104 को मल्टीप्लाई करना हो 98 से तो इसको कैसे करेंगे 116 दिमाग में कहाँ रखे हो 1016 कैसे आएगा अराउंड 200 जैसे ऊपर है 10,000 जाएगा कहाँ सोच रहे हो अभी 3 डिजिट नंबर अप्रोक्स दोनों है एक 3 डिजिट है एक्सीड कर रहा है और दूसरा उससे कम आ रहा है 10,198 चलो बताओ हो गया कोई तरीका कैसे करेंगे उसको सबको तो डायरेक्ट ही कर देंगे तो फिर सबसे फायदा क्या है 2-3 क्लास में मल्टीप्लिकेशन पढ़ने का और यहाँ पढ़ने का दोनों एक ही तरीका रहेगा तो फिर पढ़ने का क्या फायदा बन गया क्या आया 10192 इसको 100 के हेल्प से मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा क्या था 10192 ठीक है 104 × 98 था ना तो इसको 104 को क्या लिखा जा सकता है 100 + 4 लिख सकते हैं 100 + 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 - 2 से ठीक है आंसर ले आइए आ जाएगा 100 × 100 10,000 मल्टीप्लाई करते 98 है ना नहीं 98 100 - 2 98 100 + 4 104 ठीक है क्या हुआ बताओ तो नहीं आता 104
पहले ये बना लो 102 और 98 मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा ये अब ठीक है ये समझ में आ जाएगा हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लोगी तो ए का स्क्वायर क्या हो गया 10,000 माइनस जो आएगा वो कर लो क्या हुआ तुम लोगों को सनी बोल रहा है मरेंगे तो साथ मरेंगे बोल रहा है ना मिक्सर क्लास आएगी ठीक है सिंपलीफाई करो जो आएगा वो कर लेना ठीक है अब इसी के बेसिस पे उसको भी मल्टीप्लाई करोगी वही वैल्यू आएगा लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप उसको नहीं लिखेंगे आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा जिसमें मल्टीप्लीकेशन करके लिखो तो फिर आ जाएगा हाँ हो जाएगा सिंप्लीफाई कर दो जो आ गया वो आंसर दोनों यहाँ पे दोनों को कन्वर्ट कर रहे हो ना उसमें एक को ही कन्वर्ट करोगे यही करोगे ना जाएगा तभी वही कर सकते ये वाला तो जो हम बता रहे हैं ना दोनों की केस में चलेगा इस केस में जैसे 102 वाला टर्म है तो 100 माइनस 2 ये वाला जो है ना वो सिर्फ इसके नियर है तभी हो सकता है ठीक है लेकिन उस केस में दोनों अप्लाई होगा 195 रहेगा तो 200 माइनस 5 कर दो उसके नियर हाँ जो नियर अबाउट कैलकुलेशन तुमको कम करना है तो जिसके नियर अबाउट का आंसर तुमको पहले से पता है वो वैल्यू ले लो जिसका भी आंसर तुमको पहले से पता है वो ले लो अगर इस केस में करोगे तो ये भी एप्लीकेशन है ये भी तरीका है लेकिन अगर वैसे करते हैं तो वो जनरल मेथड हो जाता है ये जनरल मेथड नहीं होगा बस यही डिफरेंस है चलो ठीक है